अब मुझे लग रहा है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है, हर छोटी बड़ी महफिलों में, दीनी महफिल में या दुनियावी महफिल में, लेकिन आज फर्स्ट बार ये मुझे देखने को मिला कि आज मैं वाकई खुशमंडल ही में उतरा हूँ। वरना कभी कभी खदशा यह होता है कि शायद हम एक दो स्टॉपिस पहले उतर गए। सलाम जो मैंने जिस अंदाज में किया, उस अंदाज में आपने सलाम का जवाब दिया, यकीनन आपके इस सलाम के जवाब और इस लहजे के अंदर जो कुछ नाज़िम को महसूस करना चाहिए था वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात, एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त, एक इल्तिजा करना चाहता हूँ, वो ये है मेरे दोस्तों कि महफिल कुछ जो है बेतरतीब है। अगर इसको हम तरतीब से लगाते हैं तो इंशाल्लाह फिर मुशायरा पूरी तवानाई के साथ आप तक पहुंच सकेगा। आपने किसी के चेहरे पे चेचक का दाग देखा है? गड्ढा गुड्डी रहता है, दम लगता है, जैसे बिहार की सड़कें जो 10 साल पहले हुआ करती थी, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है मामला, लेकिन उस तरह से इस महफिल में लग रहे हैं कि बेतरतीब आप बैठे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो चेहरे पे जो चेचक का दाग है वो दाग इस महफिल में है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ इसको आप हजरात पूर कर दे। जो हजरात चौक चौराहे पे है, चाय खानों में है, या गीबत खाने में है, या दलानों में बैठे हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आकर पिंडाल में जगह ले ले। इतनी बेहतरीन, इतने अच्छे अंदाज में इस कालीन को बिछाया गया है, पिंडाल भी बहुत दूर तलक सजाया है, और माशाल्लाह आज खुशमंडल की धरती, आज ये सरजमीन देखने में ऐसी लगती है मेरे दोस्तों कि ये दुल्हन की तरह सवरी हुई है कि नहीं? तो थोड़ा सा आप हमारा साथ दे रहे, यहाँ करीब करीब आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। उधर जो सब में लगा के बैठे हुए ऐसे लग रहा है कि जैसे बाराती में आए हुए भोज खा रहे हैं। थोड़ा सा आप सबको को तोड़ दें और अपने उसूल को तोड़ के थोड़ा करीब में सामने आ जाए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 10 से 15 20 मिनट के अंदर शायद आपको यहाँ जगह न मिले, क्योंकि आज की फहरिस्त, आज की जो मैं फहरिस्त देख रहा हूँ, जो तरतीब दी गई है, और मुल्के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे से शोराए कराम को जो बुलाया गया है शायरों को, मेरे दोस्तों यकीनन आप, मुझे उम्मीद है कि उठने पर मजबूर नहीं होंगे आप, और इंशाल्लाह कहीं जाएंगे नहीं, सुबह तक इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब करके जाएंगे। दोस्तों बड़ी तेजी के साथ रब का बहुत बड़ा एहसान हुआ, अकाबिरीन की दुआओं की बरकत से मैं यहाँ तक आया। बस तेजी में, पता नहीं मैं कौन सा कपड़ा पहना नहीं पहना मुझे पता भी नहीं है, और बड़ी तेजी के साथ मैं यहाँ चला आया। बस आपसे मुझे मुलाकात करनी थी, और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों कुछ नाम है जिनके तवस्सुत से मेरा यहाँ आना हुआ। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के कमेटी को, यहाँ के कारकुनानों को, और हमारे जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वदूद साहब जो कन्वीनर मुशायरा है, और बड़े भाई अतीक साहब, मुजीब भाई और गोरा भाई, और दीगर इनके जितने भी रोफका है मेरे दोस्तों, इन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का ये मुशायरा मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सुना जाएगा और देखा जाएगा कि खुशमंडल उड़ीसा के अंदर अदबी महफिल किस तरह से सजती है, और नातिया मुशायरे का इनेकाद किस तरह से किया जाता है, और आज के इस जानदार शानदार बड़ी बागार जो आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मेरे दोस्तों, एक बात मैं बोलने चल रहा हूँ और बात बड़े फख्र के साथ कर रहा हूँ। मैं मेरे अकाबिरी, मेरे असातिज़ा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे दोस्तों जिनका खानकाहों से ताल्लुक है, मदारिस से ताल्लुक है, मकातिब से ताल्लुक है मेरे दोस्तों, इस तरह से अइम्मा हज़रात भी बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूँ कि आज के इस मुशायरे की सदारत जो फरमा रहे हैं बड़ी बावकार शख्सियत, खतीब दीशान, दी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संगीत की बख्शने वाला अदीब, ऐबाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहंशाह फिक्र व तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के लिए ताबा, जामे माकुला तो मनकुला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साबरती कासमी दामत बरकात व मद्दजिल्लहु आली, मेरे दोस्तों आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मुझे याद आता है अकाबिरीन की निगाहों को, अकाबिरीन की जूतियों में मुझे बैठने का मौका मिलता है, मेरे दोस्तों उनके महबूबे नजर रहते, लेकिन मौलाना नकीबुल अमीन बर्दी साहब से उनसियत इसलिए है, लगाव इसलिए है, मोहब्बत इसलिए बढ़ जाती है मेरे दोस्तों कि मेरे मुल्क हिंदुस्तान की आन शान पहचान जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत जनाब हजरत मौलाना नकीबुल अमीन बर्दी साहब को अपने दाएं जानिब बिठाते, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, है कि नहीं हकीकत? मेरे दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि गांधी जी ने मोहम्मद अली जौहर के बारे में ये कहा था
कि मैं तो मोहम्मद अली जौहर के कोच के बाएं जेब में रहता हूं जहां उनकी गंदी रुमाले रहती है। आप दाएं जानिब का मतलब समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब शख्सियात यहाँ पे तशरीफ फरमा है, वही मेरे दोस्तों अमीर शरीयत उड़ीसा के जनाब हजरत मौलाना जलाल कासमी साहब, जिनके चेहरे पे देखिए माशाल्लाह एक अजीब सा निखार है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। उनकी मुस्कुराहट को देख के मेरा पूरे रास्ते का थकन दूर हो गया। रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों, है कि नहीं। तो ये आप है, गम तेरा सितारों की तरह बोल रहा हूँ, एक तनहा हजारों की तरह बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। आपकी दुआएं मिल जाए तो इंशाल्लाह मैं पिच पे आ जाऊंगा। और माशाल्लाह मुल्के हिंदुस्तान और बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब दिल खैराबादी साहब यहाँ मौजूद है, जिनके बारे में मैं ये कहा करता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी दरख्त नहीं जिन्हें हवाएं न लगी हो, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके सीने में एक दिल टूट न गया हो। मुल्के हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुशायरा और जलसा नहीं है मेरे दोस्तों खाली जिसके अंदर दिल खैराबादी न हो, तो उनके कलाम को न गुनगुनाया जाता हो। उन्हीं के साथ साथ बहुत लंबी फहरिस्त है, यके बाद इतने मैं गिनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि महफिल का आगाज खतीब अब्दुल्ला साहब या अब्दुल्ला खतीब साहब गालिबन मौलाना निजाम साहब के साथ जाते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में मेरे दोस्तों कुरान करीम की तिलावत पेश कर रहे थे, और जिस अंदाज में आपको सुनना चाहिए उसी अंदाज में आप सुन रहे थे। यकीन जानिए कि तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का आगाज हुआ, महफिल को कामयाबी की जमानत मिल चुकी। मैं बैठकर बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ ये सोच रहा था कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने फूलों की शिकायत की है, महक उठाए हर समतरो फजाए जब किसी शम्स ने कुरान की तिलावत की है। क्यों पढ़ता है जिसके जहन में तीनाई होती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे दिल साहब अपनी दुआओं से दांत से नवाज रहे हैं। इस मुशायरे का जब इनेकाद किया गया, मौलाना अब्दुल वदूद साहब ने कहा, मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, मीडिया के सामने हूँ, पूरी दुनिया देखेगी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मुजाहिद हसनैन फिर हबीबी, ये हबीबी जो आपके आगे लगा हुआ है इस पे लोगों का एतराज है। मेरे दोस्तों एतराज किया इसमें कुछ बात नहीं है, खुलासा ये करना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है अल्लाह के जात से सैयद जनाब हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब भर्ती बैठे हुए हैं, जानशीन शेखुल इस्लाम, जानशीन फिदाए मिल्लत जनाब हजरत मौलाना महमूद हसन मदनी साहब और दीगर तमाम अकाबिर उलमाए देवबंद के जूतों में बैठकर मैंने निजामत की है। शायद के शायद मैं ये नहीं बड़ा बोल बोलता कि मैं इकलौता हूँ, लेकिन इन लोगों के जुमलों ने मुझे बताया कि देवबंदी का तुम्हें इकलौता ऐसा नसीब हो जो माशाल्लाह हर स्टेज पे नजर आते हो। मेरे दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अपने निजामत के अंदर से मैंने बरेलवियत और देवबंदियत और सल्फियत इसलिए हटा दिया कि हमारे उलमाए देवबंद का ये सेवा का भला कहे। ये तो वो लोग है बोरिए पे बैठने वाले जो बात न बरेलवियत न देवबंदियत न सल्फियत की करते हैं, बात सिर्फ एक इंसानियत की करते हैं। इनको जब भी नाते रसूल पढ़ना होता है या पढ़वाना होता है तो बरेली और देवबंदी और सलफी बन के नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ मोहम्मदी बन के नाते रसूल पढ़ते हैं। और इसको मुजाहिद हसनैन हबीबी ने पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत गूगल से सवाल कर सकते हैं, और मेरे दोस्तों आप जाकर सवाल करके आप जाकर जाए शरीफ उर्स के उतने बड़े प्रोग्राम को आप उठाकर देख सकते हैं। और बरेली के उसी स्टेज पर जाकर मेरे दोस्तों मैंने सिर्फ एक बात इंसानियत की न बरेली की न देवबंदी की, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तबके के लोगों ने, तीनों तबके के लोगों ने मुझे सराहा। ये उलमाए देवबंद का सेवा है मेरे दोस्तों, किसी को बुरा भला न कहा जाए। अपने शायरों से भी कहना चाहता हूँ, जूनियर सीनियर दोनों शायरों से कहना चाहता हूँ कि बात यहाँ इंशाल्लाह तीदे पे नहीं, नाते रसूल पढ़ा जाएगा, पहला राउंड नातिया मुशायरे का चलेगा, दूसरे राउंड इंशाल्लाह कौमी एकता के नाम पे शाम की गई है इंशाल्लाह, उसमें भी मेरे दोस्तों उस शायरी के अंदर फोहर पन्ना हो, शायरी इस्लाही शेर हो, ऐसा शेर हो कि जैसे डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कभी कहा था कि न दौलत न शोहरत नजर चाहते हैं, अरे मदीने का हम तो सफर चाहते हैं, खुदा से न महशर में शर्मिंदगी हो, गजल में भी ऐसा हुनर चाहते हैं। ये बात इस्लाही होगी अकाबिरीन के कसीर तादाद में बैठे हुए हैं। हाँ वो कर लेंगे इंशाल्लाह, लोगों से मेरी गुजारिश है, लेकिन रफीक भाई आप भी अपने रजाकार को इंशाल्लाह फिट कीजिए कि वो आता है ससाद का इम्तिहान लेता हूँ कि आप कितने पानी में हैं, कितने पावर में, थोड़ा सा दिखाइएगा। शेर समझ में आए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाए बुलंद कीजिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि यहीं से मुशायरा उठ जाए, और मैं चाहता हूँ कि इस स्पिरिट को यहीं से मैं इंशाल्लाह आपके हवाले में करूंगा। शेर देखिए, हुनर सभी को यहाँ हसबे हाल देता है,
क्या बात है। हुनर सभी को यहाँ हंसते हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। थोड़ा ये दाएं जानिब मेरी बाजू मजबूत है, दाएं तारीख के लोग जो है बिल्कुल खामोश है। थोड़ा सा आप बोले, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं देखने में देख टांगता हूँ, लेकिन मैं अगर अपने इस पे आ गया तो मैं पूछ सकता हूँ और आप तक पहुँच सकता हूँ, और भूल गया तो एक आध आपकी नहीं मेरे जोड़ी न बन जाए, ये डर लग रहा है थोड़ा सा, तो लगे थोड़ा सा अच्छे अंदाज में एक नेता नबी के नाम पर पेश की सुभान अल्लाह बोल दी। हुनर सभी को यहाँ हंसबे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो देख के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देख के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, अरे शोर मंदों को हैरत में डाल देता है, वो देख के शोर मंदों को हैरत में डाल देता है। और अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अताली जनाब हजरत मौलाना सैयद नदीमुल अमीन बरपी साहब और जनाब हजरत मौलाना जलाल साहब कासमी की दुआएं लेता हुआ ये शेर इन दोनों शख्सियत के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि हुनर सभी को यहां हंसबे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, अरे वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन क्या बात है, वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन अरे नसीब वालों को रिस्के हराम देता है, वैसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन देता है दौलतें, लेकिन क्या बात है, मुझे क्या महफिल है, कसम खुदा की मेरी जान, मेरा दिल कर रहा है कलेजा नहीं कलेजी निकाल के आते लोगों, बहुत अच्छी आपकी समाते हैं, इंशाल्लाह तमाम शायर गर्म हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि आते ही चौथे पीरियड पे रखेंगे और स्पीड बढ़ा देंगे, एक बार तोड़ने के चक्कर में नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। हुनर सभी को यहाँ हंसते हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, वो ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिश्ते हराम देता है, नसीब वालों को रिश्ते हराम देता है, अरे उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, उसी के दम से है ये कायम ये रोशनी का निजाम, अरे जो जो डूबे चांद तो सूरज निकाल देता है, डूबे चांद तो सूरज निकाल देता है, हुनर सभी को यहाँ हंसते हाल देता है, किसी किसी को ये बता दिया कि आपकी समाधि अच्छी है, मुशायरा कितनी देर तक मुझे चलाना है, कौन से शायर का किस वक्त मुझे इस्तेमाल करना है, अब कौन से शेर मुझे पढ़ना है, एक शेर मुझे और याद आया हो जाए और पूरी तवानाई के साथ अपन आप इजाजत दे, तो ये देहात का इलाका है, किसान लोग हैं जो दोस्तों हराम टुकड़ों के इंतजार में नहीं रहते, मुझे याद आता है मैं कहा करता हूँ अक्सर बेहतर जगह पढ़ा हूँ, आपके दरमियान भी पढ़ना चाहता हूँ कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, और कश्मीर के लोगों और उड़ीसा के पूर्व जवान से जितने भी सामाइन आए हैं, अगर ये दिल आपके दिल की बात हो, सच्ची बात हो, तो पूरा मजमा मुझे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं में ये पूछ कर बताइएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो, इंशाल्लाह शेर से अगर आपका रिश्ता है तो, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, अरे इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं, इन्हें कबूल नहीं, क्या बात, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं, तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं, तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं।